वो तो ऑनलाइन होगी, अभी सारा सब उसी में है, इनविटेशन ऑनलाइन छप जाएगा, फिर चार भाषा में छप रहा है, इंग्लिश, हिंदी, ओडिया, संस्कृत, गेस्ट लिस्ट बनाना, कौन तो अभी उसी में सब कुछ लगे पड़े हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो हम लोग शुरू आज का व्याख्यान। जी सर, जी सर, मैं शुरू किया था। सुप्रभात जी सर, सुप्रभात सर। विद्यार्थियों को जैसा कि आप लोगों को पहले से ज्ञात था, ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आज हम लोग फिर से वापस एक नए विषय के साथ और वापस राकेश कुमार शर्मा सर के साथ हम लोग जुड़े हैं। तो आज हमारा विषय है वो आप लोगों से तृतीय सेमेस्टर की जो पाठ्यक्रम है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, जो ब्लॉक 7 और यूनिट 2 है, तो उसी के संदर्भ में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ वापिस से राकेश सर जुड़ चुके हैं। राकेश सर के बारे में हम लोग जानकारी दे दें कि सर वर्तमान में हिंदी अधिकारी के रूप में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान में कार्यरत है और साथ ही सागर रोध जो पत्रिका निकलती है उसके संपादक भी है। और सर का पुनः विश्वविद्यालय कोर्स में स्वागत करता हूँ और सर से आग्रह करता हूँ कि आज की कक्षा को आगे बढ़ा। धन्यवाद सर। धन्यवाद अभिषेक जी। तो मैं सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करता हूं आज के इस ऑनलाइन सेशन में। जैसा कि जो विषय है भाषा विज्ञान का और भाषा विज्ञान के ऊपर हम लोग अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, अलग अलग जो विषय हैं उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और यथासंभव हमारा प्रयास है कि हालांकि जो विषय है वो इतना तकनीकी है और इतना सूक्ष्म विश्लेषण की मांग करता है कि उसको एक घंटे के लेक्चर में 3-4 टॉपिक्स को समेटना और उसकी व्याख्या करना और फिर बाद में जो छात्र हैं उनकी शंकाओं का निराकरण करना, इट्स नॉट सो इजी। बट फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है, मैं ये देखता हूँ कि जो विषय दिए गए उसमें से कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनकी व्याख्या एक लेक्चर के दौरान की जा सकती है और ज़्यादा आवश्यक है, उन चीज़ों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। और साथ में मेरी अपेक्षा ये भी है आप लोगों से कि जो विषय है वो इस तरीके का है कि आप उसको, आपको बड़ी गहराई से उसका अध्ययन भी करना होगा और अध्ययन करने के बाद अगर आपको उसमें से कोई डाउट या शंकाएं हैं उसको आप निकाल करके लेके आए और हमारी कक्षा के दौरान आप उसको पूछें और उस पर चर्चा करें और उसका विश्लेषण करें तो और भी अच्छा है। खैर, ये तो भूमिका है आज के व्याख्यान की। और जैसा मैं देख रहा हूँ कि जो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में आपने सीखा उसमें हम लोगों ने शुरुआत की थी हिंदी की ध्वनि संरचना से, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन और उनके उच्चारण अवयव, उच्चारण स्थान और उनका, उनकी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं जैसे सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और बहुत सारी चीजें जो है हमने उसके अंतर्गत ध्वनि संरचना को देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने रूप विज्ञान, शब्द और पद, इनका अध्ययन किया और अंतिम जो कक्षा थी उसमें हमने पद के ऊपर चर्चा की थी, शब्द और पद पर। आज हम लोग ले रहे हैं हिंदी की वाक्य संरचना और बाद में हम थोड़ा सा प्रोक्ति के ऊपर भी आएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ हिंदी वाक्य संरचना से और सभी से अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा सा विषय जो है एकदम, इतना ये नहीं है कि आप एकदम से उसको एक ही बार में समझ लेंगे, तो थोड़ा सा मनोयोग से आप इसको सुने और जो भी आपके डाउट्स हो आप निसंकोच पूछें। तो हम शुरू करते हैं वाक्य विज्ञान के ऊपर, जो वाक्य संरचना है उसके आधार पर, उसके अंतर्गत वाक्य विज्ञान। पिछली इकाई में आपने रूप विज्ञान पढ़ा और इस विज्ञान, इस इकाई में हम लोग वाक्य विज्ञान और वाक्य की संरचना पर चर्चा करेंगे। वाक्य विज्ञान क्या है? भाषा की उस प्रक्रिया और नियम व्यवस्था का अध्ययन करना है जिससे शब्द एक दूसरे के योग से वाक्य की रचना करते हैं। देखिए, आप सब एमए के विद्यार्थी हैं तो ये ऐसा नहीं है कि क्लास 8 या 9 का जो ग्रामर है उसमें भी वाक्य हम पढ़ते हैं, उसमें भी शब्द पढ़ते हैं, तो बहुत सरलता से उसकी उसका परिभाषा और उसका
बच्चे बच्चों को उसका उदाहरण दे दिए जाते हैं कि भाई बाकी जो है एक सार्थक शब्दों की या शब्द जो है वो सार्थक ध्वनि व्यवस्था है। और लेकिन यहाँ जो है ना विषय काफी विस्तृत है और उसके अनेक आयाम हैं और अलग अलग आयामों के तहत हमको उसका अध्ययन करना है। तो बिना किताब को पढ़े और बिना अलग अलग आप किताबों का अध्ययन किए और आपका कोर्स की तो किताबें उसका अध्ययन किए और साथ में आप इसके YouTube के ऊपर आप लेक्चर्स भी सुन सकते हैं, उसके बिना आपका ये समझना और इसको स्पष्ट करना आसान नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये विषय बड़ा ही व्यापक है। अब ये जो वाक्य विज्ञान है इसमें हम वाक्य संरचना के विभिन्न घटकों के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि वाक्य के अलग अलग घटक हैं और उनके आपस में क्या संबंध है। इस प्रकार विभिन्न ध्वनियों के योग से शब्द की रचना होती है, उसी तरह विभिन्न शब्दों या पदबंधों के योग से वाक्य की रचना होती है। वाक्य विज्ञान जहां एक और इन शब्दों से मिलकर बनने वाली रचना का अध्ययन करता है, दूसरी ओर यह वाक्य के अंतर्गत दो या अधिक उपवाक्यों के परस्पर संबंधों का भी अध्ययन करता है। उपवाक्यों के स्तर पर सरल, संयुक्त और मिश्रित तीन प्रकार के वाक्य माने जाते हैं। अतः एकाधिक उपवाक्यों से बनने वाले वाक्यों की संरचना के नियमों का अध्ययन भी इस वाक्य विज्ञान का विषय है। तो इसमें जो वाक्य के अंतर्गत जो इकाइयां आती हैं, चाहे वो शब्द हो, पद हो, पदबंध हो और उसके आगे बढ़कर के उपवाक्य, उपवाक्यों का आपस में परस्पर संबंध और उसके आधार पर फिर उसके जो वर्गीकरण है, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। और इन सारी चीजों का अध्ययन हम वाक्य विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। अब हम देखते हैं कि वाक्य का स्वरूप क्या हो सकता है, वाक्य हम किसे कहेंगे। मोटा मोटी हम इसे ये कहेंगे कि वाक्य एक ऐसी यूनिट है जो कि एक ऐसी इकाई है, एक ऐसी यूनिट है जो एक पूर्ण अर्थ जो है जिसके माध्यम से कोई वक्ता, श्रोता या लेखक प्रकट करता है, ठीक है। अब इसकी कोई एक अभी तक बड़ी निश्चित परिभाषा अभी तक है नहीं, लेकिन हम देखें तो अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग परिभाषाएं दी है और अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। देखिए, अर्थपरक इकाई के रूप में वाक्य क्या है। पारंपरिक रूप से जो अधिकांश विद्वान है वो वाक्य को क्या कहते हैं, एक अर्थ की एक इकाई के रूप में परिभाषित इसे करते हैं। इस मत के अनुसार वाक्य एक अपेक्षाकृत पूर्ण और स्वतंत्र मानव उक्ति है। इसकी पूर्णता और स्वतंत्रता इस बात में है कि अकेले प्रयुक्त होता है या हो सकता है। इस दृष्टि से वाक्य स्वतंत्र अर्थपूर्ण उक्ति। हंत प्रसाद गुरु ने भी वाक्य को क्या कहा, एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह कहा है। यह उदाहरण देखिए, जैसे मेरा मित्र परीक्षा देने जा रहा है, ये वाक्य है। मेरा मित्र परीक्षा देने, ये वाक्य नहीं है। क्या अंतर है, क्योंकि इससे ये जो शब्दों का समूह है इससे एक पूर्ण अर्थ प्रकट होता है और अपने आप में ये एक यूनिट है, ठीक है, एक अर्थपूर्ण उक्ति है। जबकि जब हम कहते हैं कि मेरा मित्र परीक्षा देने, तो इससे पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता है, एक पूरी यूनिट बन नहीं पाती है, इसलिए ये स्वयं वाक्य वाक नहीं कह सकते। ये देखिए, ये बड़ा ही आम जो सरल परिभाषा अर्थपरक इकाई के रूप में इसको लिया जाता है, लेकिन अर्थपरक दृष्टिकोण से अलग हट करके संरचनात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कुछ विद्वानों का मानना है कि अर्थ या विचार की पूर्णता सापेक्षिक होती है। एक विचार को हम दो या दो से अधिक वाक्यों में भी कह सकते हैं और एक में भी। अतः संरचनावादी भाषा वैज्ञानिकों ने वाक्य को एक मूर्त रचना के रूप में स्वीकार किया, अमूर्त अर्थ के रूप में नहीं। उनके अनुसार वाक्य एक रचना के जो कुछ घटकों, शब्दों, पदबंधों को मिलकर बनाए, उसी प्रकार इस प्रकार शब्द एक रचना जो ध्वनियों से मिलकर बना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अर्थपरक दृष्टिकोण से इसकी परिभाषा की गई है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं विद्वानों ने इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक इकाई के रूप में इसकी व्याख्या की है। जैसे यहाँ पे कहा गया, जैसे नीचे उदाहरण दिया गया है, इसे आप समझिए कि एक शब्द बना है ध्वनियों से मिलकर। जैसे लड़का शब्द है ल, ल, प, आ, इन ध्वनियों से मिलकर शब्द बना लड़का, इस शब्द बना। उसके बाद शब्द है, शब्दों से मिलकर के क्या बना, मेरा बड़ा लड़का,
जिसे हम कह सकते हैं कि पदबंध, पदबंधों से मिलकर के मेरा बड़ा लड़का कल आ रहा है। इसमें आप देखिए मेरा बड़ा लड़का एक उपवाक्य है, कल एक उपवाक्य है, आ रहा है एक उपवाक्य है, इससे उपवाक्य बना, ठीक है। और उससे मिलकर के मैंने उन्हें बताया कि मेरा बड़ा लड़का कल आ रहा है, मैंने उन्हें बताया ये उपवाक्य कि मेरा लड़का कल आ रहा है, ये एक उपवाक्य, दोनों उपवाक्य मिला करके एक वाक्य बना है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चरल दृष्टि से, संरचनात्मक दृष्टि से वाक्य की परिभाषा इस तरीके से की जा सकती है कि ध्वनियों को मिलाकर के शब्द बनता है, शब्दों से फिर पदबंध बनते हैं, पदबंधों से वाक्य बनता है और उपवाक्य से फिर एक पूर्ण वाक्य होता है। यहाँ पे अर्थ जो है थोड़े शिथिल हो जाते हैं और अर्थ के स्थान पर संरचना महत्वपूर्ण हो जाती है। अब अगली स्लाइड में हम लेंगे व्याकरणिक इकाई के रूप में। अगर हम एक ग्रामेटिकल दृष्टि से देखें तो वाक्य क्या है, व्याकरणिक दृष्टि से हम इसको देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें दो चीजें ज्यादा जरूरी हैं, दो अवयव हैं, वो है उद्देश्य और विधेय, ठीक है। आप लोग जानते ही हैं इंग्लिश में भी हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय, ये दोनों वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मेरा बड़ा लड़का, अच्छा किसे कहते हैं उद्देश्य, बड़ा सरल सा है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं कि जिसके बारे में बताया जा रहा है वो है उद्देश्य और उसके बारे में जो बताया जा रहा है वो है विधेय। तो अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा बड़ा लड़का, तो इसके बारे में बात हो रही है इसलिए उद्देश्य है, और क्या कहा जा रहा है उसके बारे में कि कल आ रहा है, तो कल आ रहा है ये विधेय। सतीश बीमार है, सतीश के बारे में बात हो रही है, सतीश उद्देश्य बीमार है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि बीमार है इसलिए विधेय। वैसे बच्चे को उद्देश्य, गर्मी लग रही है, विधेय, ठीक है। अब यहाँ पे वाक्य के हिसाब से जब अगर वाक्य लंबा हो तो उसमें हम उद्देश्य और विधेय का विस्तार भी हो जाता है, उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार संभव है ना। जैसे लड़के की जगह अगर हम कह दें कि मेरा बड़ा लड़का, तो यहाँ पे उद्देश्य का विस्तार हो गया, और बीमार के स्थान पर हम कहें कि बहुत बीमार, एक विशेषण अगर लगा दिया, बीमार के आगे विशेषण लगाया बहुत, तो ये क्या हुआ, विधेय का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार और विधेय का भी विस्तार संभव है, ठीक है। ऐसे अगला वाक्य यहाँ ख में दिया गया उदाहरण, मेरा लड़का कल शाम की गाड़ी से दिल्ली जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको सरल कह दें तो कह सकते हैं लड़का गाड़ी से जा रहा है, मेरा लड़का कल शाम की गाड़ी से जा रहा है, मेरा लड़का कल शाम की गाड़ी से दिल्ली जा रहा है। इसे आप देखते हैं कि कैसे उद्देश्य और विधेय का विस्तार हो जाता है। व्याकरणिक इकाई के रूप से अगर हम वाक्य को देखें तो हम पाते हैं कि उद्देश्य और विधेय इसमें इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि वाक्य की संरचना अगर हम देखें तो भाषा की संरचना के तीन प्रमुख अंग माने गए, एक है ध्वनि, दूसरा व्याकरण और तीसरा अर्थ। इनमें से व्याकरण के दो प्रमुख अवयवों में से एक है वाक्य और दूसरा है शब्द, यानी कि दिया गया। जब भाषा की संरचना का अध्ययन करते हैं तो तीन इसकी इकाइयां हैं, एक ध्वनि, एक व्याकरण और एक अर्थ। ध्वनि के फिर दो भेद हैं, स्वन और स्वनिम, और व्याकरण के दो भेद माने गए, शब्द और वाक्य। तो यहाँ पे अगर हम भाषा की संरचना का अध्ययन करें तो इसकी व्याकरण की इकाई के तहत वाक्य जो है बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। अब हम इसको आगे इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन संदेश संप्रेषण की दृष्टि से वाक्य से भी बड़ी एक इकाई है, इसे हम प्रोक्ति कहते हैं, जो आगे चल के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे ये प्रश्न करें कि सर क्या ये अगर एक ध्वनि को या एक वर्ण को सबसे छोटी इकाई माने तो क्या वाक्य सबसे बड़ी इकाई है? नहीं, वाक्य से भी जो बड़ी इकाई है वो है प्रोक्ति, ठीक है। प्रोक्ति क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। वाक्य संरचना का स्तर हम देखेंगे यहाँ पे, वाक्य संरचना के स्तर में उपवाक्य और पदबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। उपवाक्य क्या होता है, ये वाक्य का एक छोटा घटक जो है, एक छोटा पार्ट है, वो उपवाक्य कहलाता है। वाक्य एक उपवाक्य का भी हो सकता है और एक से अधिक उपवाक्यों का भी हो सकता है, एक उपवाक्य से भी वाक्य बन सकता है और एकाधिक उपवाक्यों को मिला करके भी वाक्य बनता है। जहाँ वाक्य में केवल एक उपवाक्य होता है उसे हम स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं और वो वाक्य सरल वाक्य कहलाता है।
ठीक है, सरल यानी जिसमें एक ही उपवाक्य हो, ठीक है। और उदाहरण के लिए नीचे आप एक देखेंगे, एक सरल उपवाक्य दिया गया, एक सेकंड मैं, एक कॉल आ रहा है, हाँ बोलिए। नहीं कौन सा गेट पे? सॉरी कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, जैसे यहां पे उदाहरण दिया है, मैंने एक मकान खरीदा, ये एक स्वतंत्र उपवाक्य का उदाहरण है, मैंने एक मकान खरीदा, और इसे हम एक सरल वाक्य कहते हैं। अब इससे आगे अगर हम चले तो वाक्य में उपवाक्यों की संख्या अगर एक से अधिक कितनी भी हो सकती है, और जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, और इसमें एक क्या होता है, एक आश्रित और एक अनाश्रित उपवाक्य होता है, और जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं, जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होते उन्हें स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सरल वाक्य हो गया, और ये जटिल वाक्य में क्या होता है, एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, और जब दो उपवाक्य होते हैं तो दोनों चीजें संभव है, एक ये कि दोनों उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र हों, यानी इंडिपेंडेंट हो, यानी कोई एक दूसरे के ऊपर निर्भर या आश्रित ना हो, और ऐसा भी संभव है कि दो उपवाक्यों में से एक वाक्य, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के ऊपर आश्रित हो, निर्भर हो। जैसे यहां दिया है, सेठ जी ने जेब से पैसे निकाले और लड़के को दे दिए, ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं। सेठ जी ने जेब से पैसे निकाले, एक स्वतंत्र उपवाक्य, लड़के को पैसे और लड़के को दे दिए, ये भी एक स्वतंत्र उपवाक्य, कोई किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। जैनी ने वे कपड़े पहने जो मैंने उसे दिए थे, यहाँ पे क्या है, पहला उपवाक्य स्वतंत्र है, जबकि स्वतंत्र और मुख्य है, जबकि दूसरा जो है आश्रित है, क्योंकि उसने जो कपड़े पहने वो निर्भर करता है किसके ऊपर, जैनी ने जो कपड़े दिए, पहले वाले उपवाक्य के ऊपर यानी मुख्य उपवाक्य के ऊपर ये दूसरा वाला उपवाक्य आश्रित है, ये स्वतंत्र उपवाक्य है पहला, और मैंने जो मैंने उसे दिए थे वह आश्रित उपवाक्य। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक उपवाक्य का भी वाक्य बन सकता है, एकाधिक उपवाक्यों का भी वाक्य बनता है, और जिन उपवाक्यों में दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य क्या है, क्या होता है ऐसा कि जिनमें दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे जिन वाक्य में एक उपवाक्य स्वतंत्र और दूसरा आश्रित करता है उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। इस दृष्टि से उपवाक्य के संदर्भ में वाक्य की तीन कोटियां संभव है। तो तीन श्रेणियां हो गई, एक सरल जिनमें केवल एक उपवाक्य होता है जो अनिवार्यतः स्वतंत्र होता है, ठीक है, स्पष्ट हो गया, सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, ये संयुक्त वाक्य हो गया। इसमें क्या होता है, दोनों उपवाक्य कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता, इसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं और दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। जबकि मिश्र वाक्य में क्या होता है, दो जिनमें एक स्वतंत्र मुख्य उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। अगर दो होंगे तो एक जरूर दूसरे के ऊपर आश्रित होगा, अगर दो से अधिक होंगे तो भी आप पाएंगे कि एक मुख्य उपवाक्य है और शेष जो उपवाक्य है वो मुख्य उपवाक्य के ऊपर आश्रित है, इसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये सरल वाक्य, ये संयुक्त वाक्य और ये मिश्र वाक्य, ठीक है। तो संरचना की दृष्टि से आपने ये देखा कि पदबंध क्या है और वाक्यों के प्रकार क्या है और कैसे वहां पे उपवाक्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पदबंध को थोड़ा समझते हैं कि पदबंध क्या है। पद आपने पढ़ा था इससे पहले वाली कक्षा में, पद मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा कि पद क्या था, शब्द स्वतंत्र रूप से रहते हैं तो हम उसको शब्द कहते हैं, लेकिन वही शब्द
जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और पदबंध से नाम से स्पष्ट होता है कि जब पद आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएंगे, पदबंध बन जाएंगे। और ये उपवाक्य से छोटा छोटा यूनिट है, ठीक है। वर्ण, वर्णों से शब्द, शब्द से पद, और पद से पदबंध, और पदबंध से फिर उपवाक्य, वाक्य से वाक्य, और वाक्य से रोक्ति। तो उपवाक्य से छोटी यूनिट है पदबंध, और पदबंधों से मिलकर उपवाक्य बनता है। पदबंध वाक्य में निर्धारित व्याकरणिक प्रकारियों को पूरी करने वाली इकाइयां हैं, जिनका अस्तित्व केवल वाक्य के अंतर्गत ही संभव है, वाक्य के बाहर नहीं, ठीक है। तो इनका अस्तित्व भी सिर्फ वाक्य के अंदर ही संभव होता है। और दूसरी चीज है कि ये लोग क्या करते हैं, जो व्याकरणिक प्रकार्य है, व्याकरणिक नियम है, ठीक है, उनको फॉलो करते हैं। पदबंध की संकल्पना को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, प्रत्येक वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक क्रिया विशेषण तथा क्रिया आदि का एक निर्धारित प्रयोग स्थान होता है। इन स्थानों पर प्रयुक्त होकर संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया आदि शब्द वाक्य में कुछ निश्चित भूमिकाएं निभाते हैं और वाक्य में निर्धारित प्रकार्य संपन्न करते हैं। इन स्थानों को प्रकार्य स्थान कहते हैं, और इन स्थानों पर जो शब्द या शब्द समूह प्रयुक्त होते हैं या होने की क्षमता रखते हैं, उन्हें पदबंध कहते हैं। इस दृष्टि से पदबंध एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। ये परिभाषा है। अब इसको आप थोड़ा सा इसको उदाहरण से अगर हम समझेंगे कि क्या होता है, तो यहाँ देखिए तीन उदाहरण दिए। ड्राइवर गाड़ी धो रहा है, तो ड्राइवर यहाँ पे क्या है, कर्ता पदबंध है, गाड़ी कर्म पदबंध है, और धो रहा है ये क्रिया पदबंध है, ठीक है। मैंने ये इसलिए कहा, देखिए पदबंध धो रहा है अपने आप में एक व्याकरणिक यूनिट है जो व्याकरणिक प्रकारियों को पूरा कर रहा है, ठीक है। वैसे ही मेरा ड्राइवर दोनों गाड़ियां धो रहा है, हमारा पुराना ड्राइवर बाहर रखी सभी गाड़ियां धो रहा है। यहां पे यह बताया गया है कि पदबंध एक शब्द का भी हो सकता है और एकाधिक शब्दों को लेकर के भी वो बनता है। तो ये कर्ता पदबंध है, ये कर्म पदबंध है, और ये क्रिया पदबंध है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे की स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि पदक्रम, अनुवीति और अर्थ संगीति वाक्य में इनका बड़ा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पदक्रम, अनुवीति और अर्थ संगीति, तो ये क्या है, आप पाएंगे कि वाक्य के विभिन्न घटकों के बीच एक प्रकार की क्रमबद्धता होती है, इसे हम पदक्रम कहते हैं। क्रमबद्धता यानी एक कंटिन्यूटी रहती है, ठीक है, जो अलग अलग उसके घटक होते हैं, जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वाक्य के, उसमें एक क्रमबद्धता होती है, इसे हम पदक्रम या शब्दक्रम कहते हैं। आप यह भी पाएंगे कि इन घटकों के बीच एक प्रकार का व्याकरणिक संबंध होता है, जो शब्दों के प्रयोग स्थान द्वारा या फिर विभक्तियों के द्वारा व्यक्त होता है, इसे हम कारक या कारक संबंध कहते हैं। तो यहाँ आपने देखा शब्दों का क्रम, और शब्दों को जो जोड़ने वाले हैं वो है कारक या कारक संबंध, जैसे ने, को, में, से। मैं आगे आपको उदाहरण से और स्पष्ट करूंगा। और आप यह भी पाएंगे कि वाक्य के कुछ घटक अन्य घटकों के रूपों को वचन, लिंग, पुरुष आदि की दृष्टि से प्रभावित करते हैं, इसे हम अनुवीति कहते हैं, अनुवीति। आप यह भी पाएंगे कि एक संरचनात्मक कोटि के शब्द, कोटि का शब्द होते हुए भी आप उसके स्थान पर दूसरे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी संज्ञा आदि शब्द के स्थान पर वाक्य में कोई दूसरा संज्ञा आदि शब्द आप नहीं रख सकते। शब्दों के अर्थ में एक प्रकार की संगति होती तभी है शब्द सही वाक्य का निर्माण करते हैं। वाक्य के इस लक्षण को हम अर्थ संगति या योग्यता कहते हैं। तो अर्थ संगति क्या है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, संज्ञा यानी जो आपको पता ही है व्याकरण की दृष्टि में किसी का व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम, उसके स्थान पर हम कोई रिप्लेसमेंट नहीं रख सकते। यानी जो स्ट्रक्चर बना है वाक्य का उसमें अगर हम इसको बदलेंगे तो पूरी अर्थ संगति बिगड़ जाएगी, अर्थ नहीं आ पाएगा। तो इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, और वहां पे हमको उसी शब्द को रखना है
और इस लक्षण को हम अर्थ संगति कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे खेलते हैं ना ब्लॉक वाला गेम, आपने देखा होगा ब्लॉक वाला, ठीक है, या वो जिक्सा पजल देखा है आपने। जिक्सा पजल में क्या होता है, पूरा आपने जोड़ लिया लेकिन दो अगर छूट गए और उसको इसकी जगह पे आप उसको और उसकी जगह पे इसको आप नहीं रख सकते, पूरी पिक्चर नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो सही जगह पे शब्दों को फिट करना है तो उसको हम अर्थ संगति कहते हैं। और ये पदक्रम कारक कारक संबंध अन्विति और अर्थ संगति क्या है इसको हम उदाहरण से समझेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए मैं उदाहरण पे आता हूं। ठीक है, शब्द से बड़ी किसी भी रचना में शब्दों का पूर्वापर क्रम शब्द क्रम कहलाता है। ये क्रम विधान अलग अलग भाषा में अलग अलग होता है। ठीक है, इसको हम अगर हम समझेंगे अलग अलग भाषाओं का जो स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का वो अलग अलग होता है, जैसे हिंदी अंग्रेजी सब में अलग अलग है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हम हिंदी में कहते हैं राम ने रावण को मारा, तो व्याकरण की दृष्टि में क्या है, कर्ता राम पहले, फिर ने कारक चिन्ह आ गया, रावण कर्म और फिर मारा क्रिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पदक्रम कैसा है, कर्ता कर्म फिर क्रिया। लेकिन क्या इंग्लिश में ऐसा है, अंग्रेजी में ऐसा है, तो इंग्लिश में हम कहते हैं तो क्या कहते हैं, राम किल्ड रावण। तो राम कर्ता तो आया लेकिन कर्म नहीं आया, उसके बाद क्या आ गई, क्रिया किल्ड, उसके बाद जो रावण है या कर्म है वो बाद में आया। तो आपने देखा दोनों भाषाओं में जो पदक्रम है वो अलग अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जब हम अनुवाद करते हैं तो हम देखते हैं अनुवाद में, अगर हम गूगल अनुवाद कर दें तो कई बार आपने देखा होगा कि उसी क्रम पे जिस क्रम में हिंदी के कर्ता कर्म क्रिया रखे जाते हैं उसी क्रम में अगर अंग्रेजी के कर्ता कर्म क्रिया रख दें तो पूरा हास्यास्पद वाक्य बन जाता है। ठीक है, तो वाक्य के घटकों के बीच शब्द क्रम की व्यवस्था है, वाक्य के संदर्भ में इसे हम पदक्रम कहना उचित है। वाक्य के स्तर पर पदक्रम का लगभग वही भूमिका होती है जो कारक विभक्ति की होती है, इसीलिए कोई शब्द वाक्य के किस स्थान पर और किससे पहले और बाद में प्रयुक्त होता है ये कभी कभी प्रकट करता है कि वह शब्द वाक्य में कर्ता है कर्म है या व्याकरणिक और कोई और व्याकरणिक प्रकार ही कर रहा है। इस दृष्टि से पदक्रम का वाक्य में वही महत्व जो कारक का है। उदाहरण के लिए इन दो वाक्यों में प्रथम स्थान में आने का कारण सांप और मेंढक करता है। ठीक है, यहां देखिए सांप मेंढक आ रहा है तो सांप क्या है यहाँ पे करता है, और दूसरे वाक्य में मेंढक सांप आ रहा है तो यहाँ पे मेंढक करता है। ठीक है, तो आपने देखा कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, ये जो है पदक्रम है वाक्य में। और अलग भाषा में ये पदक्रम अलग हो जाता है, बदल जाता है, इसको हम शब्दक्रम कहते हैं या वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको पदक्रम कहते हैं। हम देखें कारक संबंध, कारक संबंध की बात यहाँ पे भी आई इस स्लाइड में भी और यहाँ पे भी आई। अब सोच रहे हैं कारक संबंध क्या है, तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा 8, 9, 10 में कितने कारक होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं ना, कर्ता कर्म कारण अपादान संप्रदान अपादान अधिकरण। ठीक है, और इसी के साथ जो है और सब एक हर एक कारक का अपना कारक चिन्ह होता है ना, तो इसको हम कारक विभक्ति भी कहते हैं और कारक चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे कर्ता के लिए क्या है, ने से को, कर्म के लिए को, करण के लिए से के द्वारा, संप्रदान के लिए को के लिए, अपादान के लिए से और अधिकरण के लिए मैं पर। तो याद है या नहीं आप लोगों को, जैसे बड़ा उदाहरण हम बच्चों को देते थे स्कूल में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राम ने, ये पूरा अगर एक वाक्य में हमको सारे विभक्तियों का प्रयोग करना है तो हम कैसे करेंगे, राम ने आ गया ना, ने कर्ता का विभक्ति चिन्ह, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है, को रावण को, राम ने रावण को, करण जिससे काम किया जाता है तो हम कहेंगे से के द्वारा, तो हम कहेंगे तीर से, राम ने रावण को तीर से, संप्रदान जिसकी हित पूर्ति से किया गया हो, को के लिए जिसके लिए किया गया हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं धर्म के लिए,
धर्म के लिए आ गया। राम ने रावण को तीर से धर्म के लिए अपमान यानी अलगाव से, ये से और ये से में अंतर होता है, ठीक है। कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है से, वो कैसा होता है, वो अलग होता है और अपादान का अलग होता है। इसमें क्या होता है, दोनों को अलग अलग होने का बोध हो। जैसे पत्ता पेड़ से गिर गया, पत्ता पेड़ से गिर गया तो यहाँ पे अपादान कारक है ना, और राम से यह काम नहीं होगा तो ये कर्ता कारक, राम से यह काम नहीं होगा तो ये कर्ता कारक। लियोति चिन्ह एक ही है लेकिन दोनों में अंतर है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि सभी धर्म अधर्म से ऊपर उठकर, धर्म अधर्म से ऊपर उठकर प्रकरण में हम कह देंगे कि लंका में या लंका लंक पर नहीं आएगा, में लंका में मार। तो अगर एक वाक्य में इसका हम प्रयोग करें तो कैसे बनेगा, राम ने रावण को तीर से धर्म के लिए सभी मनोभावों से ऊपर उठकर लंका में मार, ठीक है, समझ रहे ना। ये उदाहरण में क्यों दे रहा हूं कि ये सारे जो विभक्ति चिन्ह हैं, ये सारे विभक्ति चिन्ह या सारे कारक चिन्ह सही स्थान पर लगने चाहिए। अगर हम इसको बदल दें तो पूरी पूरे वाक्य की व्यवस्था जो है वो गड़बड़ा जाएगी। क्या तुम आप कह सकते हो कि राम ने की जगह पे राम से मारा, नहीं, राम ने मारा, ठीक है, तीर से मारा, तीर को मारा कह सकते हो, नहीं कह सकते, ठीक है। धर्म के लिए मारा, धर्म पर मारा कह सकते हो, नहीं कह सकते, धर्म के लिए मारा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कारक संबंध समझ पा रहे होंगे और जो विभक्तियां हैं या जो कारक चिन्ह है उसके महत्व को भी समझ पा रहे होंगे। अगला अन्विति, ठीक है, मैं जरा सा पानी पी लेता हूं। हाँ, तो अन्विति देखिए, बड़ा नाम सुंदर सा लगता है अन्विति। अन्विति में क्या होता है, हर भाषा में संज्ञाओं के तीन प्रमुख व्याकरणिक कोटियां होती हैं। तीन प्रकार होते हैं, वक्ता, लिंग और पुरुष। इनकी एक विशेषता यह होती है कि प्रायः संज्ञा के माध्यम से वाक्य में कुछ घटकों के रूप में प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा उन्हें अपनी व्याकरणिक कोटियां पुरुष के अनुकूल रूप बदलने के लिए बाध्य करती है। किसी घटक विशेष के प्रभाव में रूप बदलने की इस प्रक्रिया को हम अन्विति कहते हैं। हिंदी में ये बहुत ज्यादा इसका महत्व है और हिंदी में इसको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे आपने, अगर मैं उदाहरण दूं तो आपको समझ में आएगा, जैसे लड़का, ठीक है, लड़का क्या है, एक वचन पुलिंग, एक वचन पुलिंग, उसके हिसाब से इसका जो विशेषण है छोटा उसी के हिसाब से तय हुआ है, ठीक है, एक वचन पुलिंग। वैसे जैसे बदल गया, एक वचन की जगह बहुवचन हो गया, लड़के हो गया, तो छोटा क्या बन जाएगा, छोटे, छोटा लड़का, छोटे लड़के, अगर लड़की हो गई छोटी, तो आप देख रहे हैं लड़की, लड़के, लड़का के अनुसार उसके जो विशेषण स्तर पर कैसा परिवर्तन आ रहा है, छोटा, छोटे, छोटी, ठीक है। वैसे ही क्रिया के स्तर पर लड़का आ गया, सीता आ गई, एक वचन पुलिंग आ गया, एक वचन स्त्रीलिंग आ गई, मेहमान आ गए, एक वचन पुलिंग आ गए, एक वचन स्त्रीलिंग आ गई, महिलाएं आ गई, अगर महिला होगी, एक वचन स्त्रीलिंग महिला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आ गई। एक बिंदी का भी महत्व होता है, महिला आ गई, महिलाएं आ गई, मेहमान आ गए, मेहमान बहुवचन है, ठीक है, उसके हिसाब से ये रूप बदलता है। तो इसको हम कहते हैं अन्विति। वक्ता लिंग और पुरुष के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है और वाक्य के संदर्भ में संज्ञा क्रिया की अनुविति बहुत महत्वपूर्ण है। संज्ञा विशेषण की अनुविति मुख्यतः पदबंध के स्तर तक ही सीमित रहती है, ठीक है। तो आप इसे और पढ़ेंगे तो आप और अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से इसको समझ पाएंगे। जैसे कई बार जो आम गलतियां होती हैं उसमें आपने देखा होगा, कहते हैं कि सीता ने आम खाया, सीता ने आम खाया, वाक्य सही है, सही है। बहुत से लोग पूछते हैं जो जिनकी मातृभाषा हिंदी है कि सर सीता तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो सीता ने आम खाया कैसे होगा,
सीता ने आम खाई, ये होना चाहिए और लिख भी देते हैं सीता ने आम खाई। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, खाई जो जो क्रिया है वो उसकी अन्विति कर्ता के साथ नहीं बैठ रही है, ठीक है, किसके साथ बैठ रही है, कर्म के साथ। कर्म क्या है, आम है, और आम यहाँ पे क्या है, एक वचन पुलिंग है, तो आम पुलिंग होने के कारण यहाँ पे क्रिया जो है वो भी पुलिंग होगी। हालांकि सीता स्त्रीलिंग है लेकिन आम पुलिंग होने के कारण हम यहाँ पे कहते हैं कि सीता ने आम खाया, करेक्ट, सीता ने आम खाई वो गलत, स्पष्ट हो गया। तो ये अन्विति है। तो आगे चले अर्थसंगति। अर्थसंगति क्या है, व्याकरणिक संरचना तो अन्विति आदि की दृष्टि से सही होते हुए भी वाक्य अर्थसंगति की दृष्टि से दोषपूर्ण हो सकते हैं। ये बड़ा सरल है, इसको ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा इस स्लाइड को समझाने में। इसमें क्या है, अर्थसंगति आप ये कह देंगे कि सर एक वाक्य हमने बनाया और इस वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से सब कुछ सही है, एक अर्थ तो प्रकट हो रहा है। जैसे कोई कह दे कि मैं कल मैंने अपने विचारों को खाया, तो व्याकरण की दृष्टि से भी सही है और इसमें कर्ता क्रिया कर्म संगति असंगति सब बैठ रही है, विभक्ति चिन्ह भी सही है, अनुविधि भी ठीक है, तो लेकिन क्या ये वाक्य सही है, मेरी गाड़ी आज बहुत दुखी है और बच्चे बर्फ पड़ रहे हैं, तीन वाक्य दिए हैं। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट ये समझ में आ रहा है कि इसमें अर्थ की संगति नहीं है, ठीक है, क्योंकि विचारों को खाया नहीं जाता, गाड़ी दुखी नहीं हो सकती, गाड़ी जो है उसमें जीवन नहीं है, तो उसमें सुख दुख ऐसे इमोशंस नहीं होते। और वैसे ही बच्चे किताब पढ़ सकते हैं, बच्चे कॉमिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, बच्चे कुरान पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, बट बच्चे बर्फ नहीं पढ़ सकते क्योंकि बर्फ को पढ़ा नहीं जाता। तो अर्थ की दृष्टि से इन वाक्यों का कोई अर्थ, इनका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ यहाँ पे ये नहीं आ पा रहा, अर्थ की संगति नहीं बैठ पा रही है, इसके लिए यहाँ पे हम कहेंगे कि अर्थ संगति नहीं, ठीक है। तो ये स्पष्ट है, अर्थ संगति भी वाक्य में बहुत जरूरी है। अब यह अध्याहार या अल्पांग वाक्य क्या है, अध्याहार या अल्पांग वाक्य ये ज्यादातर आम बोलचाल की भाषा में इसका यह आता है। यदि अपने आसपास वास्तव में प्रयुक्त वाक्यों को अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि हम अनेक बार वाक्य के कुछ अंशों का लोप कर देते हैं और कभी कभी तो केवल दो शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, फिर भी अर्थबोध में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि भाषा का यह लक्षण अध्याहार कहलाता है और इस प्रकार वाक्यों को हम अल्पांग वाक्य कहते हैं। पूर्णांग वाक्यों में वाक्य के सभी घटक मौजूद रहते हैं, जैसे राम घर जा रहा है, अल्पांग वाक्यों में एक या एक से अधिक घटकों का लोप होता है, ऐसा आइए, ठीक है, राम घर जा रहा है तो ये पूर्णांग वाक्य है, इसमें सारे घटक मौजूद हैं। लेकिन अगर हम कह दें आइए तो इसमें सारे घटक मौजूद नहीं है, ये अल्पांग वाक्य है लेकिन अर्थ प्रकट कर रहा है, ठीक है। जैसे आम और उदाहरण ले हम, जैसे आम वार्तालाप में हम कहते हैं कि एक कप चाय ले आओ, तो इसमें क्या है, इसमें आप या तुम का लोप है, किसे कह रहे हैं कि आप एक कप चाय ले आओ, तुम एक कप चाय ले आओ, लेकिन आप और तुम हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कैसा चल रहा है, कोई कह रहा है कैसा चल रहा है, तो इसमें तुम्हारा या आपका शब्द का लोप है, तुम्हारा कैसा चल रहा है या आपका कैसा चल रहा है। और बहुत कॉमन लोग बोलते कोई नहीं, बड़ा यूजुअल सा प्रयोग है इसका, कोई नहीं, इसका मतलब क्या है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कहते बल्कि कोई नहीं। नाम क्या है, तो पूछता है नाम क्या है, इसमें इसका मतलब है कि तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। तो यहाँ पे ये कुछ शब्दों का लोप होने के बाद भी अगर उसमें अर्थ के प्रकटीकरण में कोई बाधा उत्पन्न ना हो तो उसे हम पूर्ण वाक्य मानेंगे, और ऐसे वाक्यों को में ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम अध्याहार कहते हैं और ऐसे वाक्यों को अल्पांग वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर कोई फिल्म के डायलॉग्स, नाटक के जो वार्तालाप हैं, जो डायलॉग्स हैं उसमें आप देखेंगे तो आप आपस में जब किरदार बात करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जब गंभीर वार्तालाप होते कि कोई व्यक्ति आया सामने से, वो कहता है कि बैठो, ठीक है, थाने में कोई आया, पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा है कि बैठो, तो ज़्यादा तकल्लुफ नहीं करता कि आप बैठो या आप बैठिए, वो सिर्फ कहेगा बैठो या बैठिए। तो यहाँ पे आपका जो है लोप है, जो कहेगा नाम, सुना होगा ना नाम, इसका मतलब क्या है, सामने वाला समझ जाता है
जो पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, लेकिन उसे पूछेगा ना, इसे हम अल्पांग वाक्य कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम प्रोक्ति पे आते हैं। जब हमने वाक्यों पे चर्चा की थी तब हमने देखा था कि इसकी इसका प्रकरण आया था प्रोक्ति का, और मैंने आपको बताया भी था कि सबसे बड़ी यूनिट जो है वाक्य नहीं होती है बल्कि वाक्य से भी बढ़कर के होता है प्रोक्ति। तो प्रोक्ति क्या है, इसको हम डिस्कोर्स कहते हैं इंग्लिश में। इसको थोड़ा सा आप थोड़ा मनोयोग पूर्वक सुनिएगा तो आप समझ पाएंगे। व्याकरण का संबंध आमतौर पर शब्द रचना और वाक्य रचना के विश्लेषण से। व्याकरण वाक्य की रचना तक सीमित रहते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान भाषा के उस प्राकृतिक परिवेश में देखते हैं और भाषा का प्राकृतिक स्वरूप उसके विविध क्षेत्र में प्रयोग, जैसे वार्तालाप, भाषण, निबंध लेखन, पत्र लेखन। ठीक है, भाषा का स्ट्रक्चर तो हम समझ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भाषा का प्रयोग का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, अलग अलग जगह पे उसका प्रयोग होता है। और भाषा तो मनुष्य जीवन से एकदम अटूट रूप से जुड़ी हुई है। जैसे मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ, चर्चा कर रहे हैं, या मैं व्याख्यान दे रहा हूँ, भाषा का सहारा ले रहे हैं। आप न्यूज सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, तो आप भाषा का सहारा ले रहे हैं। आप बच्चे से बात कर रहे हैं घर पे, तो भाषा का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं वॉइस ओयू के लिए, तो आप भाषा का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, और दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो भाषा का सहारा ले रहे हैं। दो औरतें बाजार में झगड़ रही हैं तो भी वो भाषा का सहारा ले रही हैं। और आप ये देखेंगे कि हर जगह भाषा का स्तर अलग अलग है, ठीक है नहीं, हर जगह भाषा का स्तर अलग अलग है और उसका प्रारूप भी अलग अलग है। तो ये प्रोक्ति को क्या कहते हैं, कि प्रोक्ति को अगर आप समझना चाहें तो ये ऐसा है कि अपने आप में एक पूर्ण अर्थ देने वाली एक यूनिट है, एक इकाई है, जिसमें जब हम कोई एक विशेष क्षेत्र से संबंधित कोई बात करते हैं या लिखते हैं तब हम प्रोक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे उदाहरण में हम और देखेंगे कि कैसे प्रोक्ति ये प्रोक्ति होता क्या है। तो यहाँ देखिए उदाहरण दिया गया है कि पार्क में सुबह टहलने गए दो सज्जन मिल जाते हैं। नमस्ते, दुआ सलाम के बाद कुछ देर दोनों कुछ बातें करते हैं, फिर तदनंतर नमस्ते अलविदा कहते हुए दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इस सामाजिक अन्योन्य क्रिया में जो भाषा व्यवहार नमस्ते से प्रारंभ हुआ और अंत में नमस्ते और अलविदा से समाप्त हुआ वह एक पूर्ण समाज भाषा वैज्ञानिक इकाई है। ठीक है, सोशियो लिंग्विस्टिक यूनिट, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें किस प्रकार का भाषा व्यवहार हुआ हो। नमस्ते, दुआ सलाम हुई होगी, और कैसे हैं, गर्मी बहुत बढ़ गई है, ठीक है, आपका ख्याल क्या, आपका स्वास्थ्य कैसा है, बच्चे कैसे हैं, बेटा अमेरिका से कब आ रहा है, और ठीक है कल मिलते हैं, हाँ लगता है मानसून जल्दी आने वाला है। ठीक है, इस तरह से की बातें होंगी। ये अपने आप में एक समाज भाषा वैज्ञानिक यूनिट है, तो इसे हम एक प्रोक्ति, इसे भी हम एक प्रोक्ति कह सकते हैं। हम इसे भारतीय चिंतन का वाक कह सकते हैं। इसे हमारे जो प्राचीन भाषा विज्ञान में वाक की संज्ञा दी गई, अर्थात वागारम्भ से वागांत तक, वागारम्भ यानी बातचीत के शुरुआत से वागांत यानी अंत तक एक भाषिक व्यवहार जो होता है वो प्रोक्ति कहलाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल है एक शैक्षिक परिवेश का, एक एजुकेशनल एनवायरमेंट का। घंटी बजती है, पहले वाले अध्यापक स्कूल में पढ़ा कर चले जाते हैं, कुछ देर के बाद दूसरे अध्यापक आते हैं। सामाजिक अन्योन्य क्रिया छात्रों के खड़े होने से शुरू हो जाती है, गुड मॉर्निंग आदि का प्रयोग होता है, तब से जब तक अध्यापक पढ़ाते हैं और फिर वो क्लास में विदा लेकर के वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोक्ति का प्रारंभ होता है, और घंटा बजने पर जब अध्यापक पढ़ाना बंद कर देते हैं, भाषिक व्यवहार बंद हो जाता है, तो प्रोक्ति का अंत हो जाता है। तो इसे उदाहरण, ये मौखिक प्रोक्ति के उदाहरण थे। एक उदाहरण जो मैंने दिए ये ओरल डिस्कोर्स, ठीक है, मौखिक प्रोक्ति के उदाहरण थे। लेकिन लिखित भाषा व्यवहार में लिखित अंश का आदि अंत स्पष्ट होता है। आपने एक मित्र को पत्र के द्वारा संदेश भेजा, पत्र स्वयं में एक लेखबद्ध पूर्ण इकाई है, वो एक प्रोक्ति है। एक उपन्यास या एक कृति की रचना, वो अपने आप एक प्रोक्ति है। एक पाठ्य पुस्तक
वो भी अपने आप में एक प्रोक्ति है और उसका अध्याय भी एक अपने आप में प्रोक्ति है, ठीक है। अब ये प्रोक्ति का जो है परिभाषा ये भी बड़ी विस्तृत है, इसकी यूनिट छोटी भी हो सकती है और इसकी यूनिट बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। अब हम इसको हम प्रोक्तिबंध, प्रोक्ति समुच्चय, प्रोक्ति समूह, प्रोक्ति जैसे कई नाम उनको दे देते हैं और उसको क्लासिफाइड कर देते हैं, और इसके आकार का कोई बंधन नहीं है। एक छोटा सा नोटिस, फूल तोड़ना मना है, ये भी एक प्रोक्ति हो सकता है, क्योंकि एक वाक्य होने के साथ साथ ये एक मैसेज कन्वे कर रहा है सभी को, एक संदेश जो है कन्वे करने की क्षमता रख रहा है, तो ये अपने आप में एक प्रोक्ति है। दूसरी ओर महाभारत जैसा महाकाव्य भी एक प्रोक्ति है, तो छोटे से लेकर के बड़े रूप तक प्रोक्ति का विस्तार। तो इसको आप और थोड़ा किताब से पढ़िए और कुछ उदाहरण लीजिए। एकदम थोड़े से सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि बच्चों के बातचीत से लेकर के सुबह मॉर्निंग वॉक पे दो लोगों की बातचीत, अलग अलग ओरल डिस्कोर्स या मौखिक प्रोक्ति के उदाहरण हो सकते हैं, और लिखित प्रोक्ति के उदाहरण भी अलग अलग है। अब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ और आज का जो विषय है शब्द या वाक्य की संरचना, ये अपने आप में एक प्रोक्ति हो सकती है नहीं, तो ये भी अपने आप में एक प्रोक्ति है, एक भाषाई यूनिट है, ठीक है। और इसके तहत जो है मैं अपने आप अपना संदेश आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। तो ये प्रोक्ति है, इसको आप और थोड़ा सा इसका अध्ययन करिए। प्रोक्ति की भाषाई अभिव्यक्ति जो मूर्त रूप से हमें सुनाई या दिखाई पड़ती है, तो भाषा वैज्ञानिक विवेचन प्रोक्ति विश्लेषण कहलाता है। प्रत्येक संरचना के समान प्रोक्ति संरचना भी एक से अधिक संरचक होते हैं और प्रत्येक का अपना प्रकार्य होता है, ठीक है। और इसको हम आगे देखेंगे प्रोक्ति विश्लेषण कैसे होता है। मनुष्य कभी शून्य में भाषा व्यवहार नहीं करता, एकालाप तो कोई नहीं करता ना बैठ के आपस में, किसी ना किसी सामाजिक परिवेश में भाषा का व्यवहार करता है, ठीक है। या वो परिवेश अलग अलग होते हैं, कभी घर परिवार का परिवेश, कभी अपना प्रोफेशनल लाइफ का परिवेश, जीविका कार्य का परिवेश, या फिर सामाजिक धार्मिक कृत्य, ठीक है, उसका अपना परिवेश, शिक्षक प्रशिक्षण का उसका अपना परिवेश, और सामाजिक प्रबंधन का अपना परिवेश, राजनीतिक परिवेश, बहुत सारे परिवेशों में मनुष्य जीता है और अलग अलग परिवेश में अलग अलग भाषाई वातावरण के साथ वो निर्वाह करता है। घर परिवार परिवार का जो परिवेश होता है उसमें वो भाषा सीखता है, ठीक है। इसमें आवास, भोजन, इन सब आवश्यकताओं की उसकी पूर्ति होती है। शिशु पालन के द्वारा स्पीसी संवर्धन व्यवस्था का प्रबंधन यहीं पे करता है। भाषा तथा संस्कार बच्चा यहीं सीखता है। इस परिवेश की मुख्य भाषा संप्रेषण विद्या वार्तालाप है। गृहणियों का तो लगभग सारा समय इसी परिवेश में बीतता है और वार्तालाप में उनका कौशल सुप्रसिद्ध है। तो घर परिवेश का परिवेश आपको पता ही, और आपको फर्क मालूम है कि आप घर परिवेश में आपको जैसा भाषाई वातावरण मिलता है, क्या कॉलेज में या जीविका में वही सेम वातावरण होता है, परिवेश होता है? नहीं। जीविका में उसका अलग ये होता है, जैसे बिजनेसमैन है उसका अलग भाषाई परिवेश है, किसान का अलग है, मजदूर का अलग है, अलग अलग सेवाओं में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका अलग है, ठीक है। इस परिवेश में वार्तालाप संप्रेषण विद्या का प्रयोग होता है। ये वार्तालाप कभी कभार गंभीर व्यावसायिक होता है, ठीक है, तो अधिकतर समय ये सूचना परक होता है अथवा शिथिल क्षणों में गपशप और परनिंदा आदि पे भी सीमित रहता है। कौन सा? जीविका का, प्रोफेशनल का, जब लंच के टाइम पे लोग बैठे हैं तो परनिंदा भी करते हैं, गपशप भी करते हैं, और इसको भी आप जीविका कार्यक्षेत्र का परिवेश का वार्तालाप मान सकते हैं, ठीक है, बहुत हल्के फुल्के बातचीत। और एक पायलट जब वो प्लेन उड़ा रहा है और एटीसी से जब वो संपर्क कर रहा है, तो एटीसी से जो उसकी बातचीत हो रही है, उस गंभीर बातचीत को, उस टेक्निकल बातचीत को भी जीविका कार्यक्षेत्र के परिवेश के अंतर्गत हम रख सकते हैं। बस ये सामाजिक धार्मिक कार्यों का जो परिवेश है वो अलग होता है, मंदिर का, मस्जिद का, कीर्तन, भजन, मंत्रोच्चार, धर्म ग्रंथ पाठ, ठीक है, कथा वाचन, यज्ञ हवन, प्रवचन, ये सारे जो है इस तरीके के इसमें आ जाते हैं। इसकी प्रोक्ति अलग होती है, इसकी प्रोक्ति अलग होती है। जैसे भागवत पाठ कोई कर रहा है तो भागवत गीता में जो संदेश दिया गया है उस संदेश को वो अपनी भाषा के माध्यम से सरलता से इसको स्त्रियां समझ सकें, बच्चे समझ सकें, बुजुर्ग समझ सकें, उस संदेश को संप्रेषित करने का प्रयास करता है, तो उसमें वो अलग प्रोक्ति का प्रयोग करता है, वो प्रोक्ति अलग, ठीक है।
कि सामाजिक धार्मिक कृत्य का परिवेश, वैसे ही शिक्षण प्रशिक्षण का परिवेश, अब यहाँ पर जब हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं, तो इसकी भाषा जो है ये किस प्रकार की होती है, आप ये देख रहे हैं कि इसमें ज्यादा यहाँ वहाँ होने का होने की गुंजाइश नहीं होती है, कि जो हमको पढ़ा रहे हैं हम वही पढ़ाते हैं। और ताकि ये इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शिक्षण प्रशिक्षण का परिवेश, क्योंकि जिन शब्दों के माध्यम से आप सीखते हैं उससे आपके मस्तिष्क में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और बहुत सारा आपका जो ज्ञान है वो परिवर्धित भी होता है, रिफाइन भी होता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे ज्यादा इसको इधर उधर लेने की गुंजाइश नहीं होती है, विषय के ऊपर हमको बातचीत करना होता है। तो इसमें चर्चा, परिचर्चा, ओरल एग्जाम, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, ठीक है, और आजकल के इसमें देखें तो रेडियो, टीवी, कंप्यूटर डिस्क, कंप्यूटर नेटवर्क से मिलने वाले ये यूट्यूब चैनल्स, इसके माध्यम से हम लोग शिक्षण प्रशिक्षण का जो परिवेश हमको मिलता है उसके माध्यम से हम लोग सीखते हैं भाषा का प्रयोग। अब हम देखें सामाजिक प्रयोजन। प्रत्येक वक्ता श्रोता के पास कोई संदेश पहुंचाना चाहता है, वो चाहता है कि श्रोता संदेश को यथानुकूल ग्रहण करे और तत्पश्चात कुछ करे। श्रोता क्या करे ये वक्ता का प्रयोजन होता है, वक्ता ही श्रोता की अपेक्षा होती है। कि जब हम कोई बोलता है तो बोलने के समय उसका प्रयोजन क्या होता है कि कुछ तथ्यात्मक जानकारी प्राकर श्रोता अपने संचित ज्ञान राशि को संवर्धित करे और पुनः संयोजित करे, फिर से एडजस्ट करे, और फलस्वरूप उसके विचारों, दृष्टिकोणों और आस्थाओं तथा मूल्यों में वक्ता अपेक्षित परिवर्तन आए। बिना वजह तो कोई बातचीत नहीं करता है। बात करने का उद्देश्य क्या है? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ताकि आपकी जो संचित ज्ञान राशि हो संवर्धित हो, उसे आप फिर से एडजस्ट कर सकें, जो कुछ आपने गलत धारणाएं पाली हो उसको हटा सकें, नई चीज जोड़ सकें, और इससे आपके विचारों, दृष्टिकोण और आस्थाओं और मूल्यों में अपेक्षित परिवर्तन आए। श्रोता संदेश ग्रहण करने के बाद अपने मनोभावों, संवेगों, मनोवृत्तियों में वक्ता से वंचित परिवर्तन करें। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोली हुई बातों का जो विषय पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसके बाद आपके मनोभावों, संवेगों, मनोवृत्तियों में आवश्यक परिवर्तन हो सके। श्रोता संदेश ग्रहण करने के बाद अपने क्रिया कार्य संपादन रीति में परिवर्तन भी ला, ठीक। तो ये भी एक है कि आपका जो जीवनचर्या है, क्रिया व्यवहार है, अगर वैसा कोई विषय में पढ़ा रहा हूं तो उसमें भी परिवर्तन संभव है। सामाजिक भाषा व्यवहार का पैटर्न, प्रोक्ति प्ररूप जैसे वार्तालाप, भाषण, सौलाप, चर्चा हम पहले ही कर पाए, वैसे अगर उसकी चर्चा की जाए तो सामाजिक परिवेश, सामाजिक परिस्थिति तथा सामाजिक प्रयोजन बहुत कुछ निश्चित करता है, ठीक है। तो ये ठीक है, इसमें ये कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे अभिव्यक्ति शैली। अभिव्यक्ति की शैली जो है ये कितने प्रकार की होती है, अलग अलग अभिव्यक्ति की शैलियां होती है, समादरता मापक्रम, घनिष्ठता मापक्रम और कोटोन मापक्रम। समादर स्केल की 5 कोटियां बनती हैं, जब हम कोई बोल रहा है, कोई एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको अलग अलग स्केल के तहत उसकी कैटेगरी बनाई गई है, उसका मापक्रम बनाया गया है। समादरता में क्या है, इसकी भी 5 कोटियां हैं, श्रेणियां हैं। जैसे समादर अत्यधिक आदर, जैसे महामहिम के साथ या परम श्रद्धेय के साथ हम शुरू करते हैं समादर। समादर प्लस प्लस, सिर्फ समादर प्लस में सामान्य आदर सूचक सूचक आप या हुजूर, या फिर 0 समादर में संभाव, जहां आदर अनादर का प्रसंग नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे 0 समादर, आदर अनादर का भाव नहीं है। और उसके बाद माइनस समादर, यानी आदर का भाव नहीं, थोड़ा निरादर भी हो सकता है, ठीक है। और वैसे ही ये समादरता मापक्रम, घनिष्ठता मापक्रम में अति औपचारिक शैली, जैसे महामहिम पधारिए, है ना, औपचारिक शैली में मैं बहुत आभारी होऊंगा आप यदि आ जाएं, सामान्य परिचय शैली में कृपया भीतर आ जाइए, घनिष्ठ परिचय शैली में भीतर आ जाओ, और अति घनिष्ठ शैली में अब आप भीतर क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो ये घनिष्ठता के स्केल पे इसका ये किया गया है। और कोड टोन जो है, कोड टोन में ये कहा गया है कि भाई जो टोन है, कोड यानी भाषा, ठीक है, हम कोड के माध्यम से क्यों इसको कोड कहा जाता है वो आप पढ़े हुए भाषा को, तो कुछ ना कुछ एक, जब मैं कुछ शब्द कहता हूँ तो कोड ही है ना, उस कोड को आप इसलिए समझ पा रहे हैं आपका दिमाग, क्योंकि आपकी आपका दिमाग हिंदी भाषा को डिकोड कर सकता है। अगर मैं तमिल में बोलूँ तो तमिल में बोली गई बात को आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि तमिल में जो शब्दों की कोडिंग की गई है उसको आप डिकोड नहीं कर पाते। तो जो कोड होता है
कोड टोन, टोन का मतलब है उसका तान, ठीक है। और तान भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाषा में कि किस टोन में बात की जा रही है, तो इसके ऊपर भी जो भाषा वैज्ञानिकों ने चर्चा की है कि कोड टोन भी इंपॉर्टेंट होता है अभिव्यक्ति शैली में। तो समानार्थक शैली घनिष्ठ मापक्रम, कोड टोन मापक्रम, इसके भी अलग अलग लेवल बनाए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद है संशक्ति, संशक्ति एक अलग विषय है। संशक्ति का जो ये है इसको मैं बड़े संक्षेप में आपको बता देना चाहूंगा, संशक्ति क्या है, इसको कोहेजन कहा गया है। कोहेजन का मतलब है कोहेजन इन इंग्लिश 1976 में हेलिडे हसन ने इसका विवेचन किया कि प्रत्येक वाक्य अपने पूर्व के वाक्य वाक्यों से और कभी कभी बाद के वाक्य वाक्यों से किसी ना किसी प्रकार श्रृंखलित करता, श्रृंखलित होते हैं या श्रृंखलित करते हैं। इस श्रृंखलन प्रक्रम को का नाम संशक्ति है। संशक्ति दो प्रकार की हो सकती है, व्याकरण आधारित और एक अर्थ आधारित। देखिए क्या होता है, जब दो वाक्य होते हैं अपने आप में तो परस्पर एक पूर्ण यूनिट होते हैं, पूरी इकाई होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पहले वाले वाक्य से और अपने बाद्य वाले बाद वाले वाक्य से भी उनका लिंकअप होता है, उनका श्रृंखलन होता है, प्रक्रम होता है, और उसी का नाम जो है इन्होंने संशक्ति रखा है। इसके दो आधार हैं, व्याकरण के आधार पर संशक्ति हो सकती है या अर्थ के आधार पर संशक्ति हो सकती है। व्याकरण के आधार पर सबसे प्रमुख वाक्य संयोजन है, और इसमें संकेतक, स्थानापन शब्द और अध्याहार लोप, ये व्याकरण के आधार पर संशक्ति के तीन भेद, ठीक है। और संकेतन क्या है इसको हम देख लें। जैसे हम यहाँ पे कहें, निम्न उदाहरण को देखिए, एक किसान था, एक वाक्य है, उसके पास एक बैल था, एक किसान था। अब यहाँ पे किसान के पास नहीं लिखा है, उन्होंने सर्वनाम लगा दिया, उसके पास एक बैल था, पर बैल संतोषी था, उसको अपने मालिक से कोई शिकायत नहीं थी, उसको अपने, कि यहाँ उसके, उसका, इसके माध्यम से परवर्ती वाक्यों को श्रृंखलित किया गया। यह श्रृंखलन पूर्व संकेतक या अनाफोरा द्वारा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन वाक्यों के साथ इनका जुड़ाव और लिंक आप देख सकते हैं। और अगला वाक्य देखिए, इस तरह से आप शीघ्र अच्छे हो सकते हैं, सुबह उठकर एक ग्लास पानी पी लें और 5 किलोमीटर घूमाए। यहाँ पूर्ववर्ती वाक्य इस तरह परवर्ती वाक्य के सुबह पानी पीने से और घूमने जाने का संकेतन करता है, यह श्रृंखलन पश्च संकेतक है। यहाँ पे ये पूर्व संकेतक था, ये पश्च संकेतक, यानी अगर यहाँ कोई शुरुआत करता है कि इस तरह से आप शीघ्र अच्छे हो जाएंगे, तो किस तरह से, किस तरह से, ये फिर अगले वाक्य में बताया गया है कि सुबह उठकर एक ग्लास पानी पी लें और 5 किलोमीटर घूमा, तो ये पश्च संकेतक है, मेटाफोरा, और ये एनाफोरा, और ये एक्साफोरा क्या है। अब इन वाक्यों को देखिए, क्या तुमने वह किताब पढ़ ली? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ पाया। यहाँ वह का संकेतन वही संकेतक है क्योंकि पाठ में इसका उल्लेख नहीं है। एक सेकंड, तो बस अभी समापन की ओर है संशक्ति के साथ। यह वह संकेतन वही संकेतक या एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि पाठ में इसका उल्लेख नहीं है। अब ये अर्थ आधारित संशक्ति, ये अभी हमने देखा संकेतक स्थानापन अल्पार, ये हो गया संशक्ति में स्थानापन शब्द क्या होता है, अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। ऐसे उदाहरण देखिए, माय एक्स इज टू ब्लंट, आई मस्ट गेट ए शार्प वन, ठीक है। तो यहाँ पे वन का मतलब क्या है,
ये स्थानापन किया गया है इसके लिए एक्स के लिए कि मेरी जो कुराड़ी है वो बहुत ये हो गई है, ब्लंट हो गई है, यानी धार खत्म हो गई है, एंड आई मस्ट गेट ए शार्प वन। तो यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आई मस्ट गेट ए शार्प एक्स, इसको वन से रिप्लेस कर दिया गया, तो इस शब्द को स्थानापन किया गया एक्स से। डज मेरी सिंग, तो क्या मेरी गाती है? नो, बट मेरी डज, नो बट मेरी डॉज, तो मेरी की जगह कोई और का नाम देना चाहिए, गलती से इसे दे दिया है कि नो बट रीना डॉज, तो क्या मेरी गाती है? नहीं बट रीना डॉज का मतलब यहाँ पे क्या है? सिंग, सिंगिंग की क्रिया, गाने की क्रिया को डॉज से स्थानापन किया गया, रिप्लेस किया गया। एवरी वन इज लिविंग, इट सीम्स सो, इट इज सो, पूछता है कि इंग्लिश में आपको पूछता है कि आई थिंक सो, हम लोग बोलते हैं ना आई थिंक सो का प्रयोग करते हैं, कि सो का जगह हम क्या किसके लिए कहते हैं कि पहले वाले ने अगर कोई बात कही हो और उसके उसी बात को अगर हमको ये कह रहा है कि हाँ मैं इसका समर्थन करता हूँ, मैं सोचता हूँ, हम कहते हैं आई थिंक सो, तो सो से हम उसको रिप्लेस करते हैं, स्थानापन करते हैं। तो हिंदी संज्ञा के लिए वन या क्रिया के लिए डू का प्रयोग नहीं मिलते हैं, इंग्लिश में ज्यादातर इसका प्रयोग। अध्यायार्थ तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अलमारी में तीन लड्डू रखे हैं, एक उठा लो, नहीं मम्मी मैं दो लूंगा, यहाँ एक या दो के आगे लड्डू का अध्यायार्थ, लड्डू नहीं लगाया, एक बार कह दिया यहाँ पे कि अलमारी में तीन लड्डू रखे हैं, तो यहाँ ये कहने की जरूरत नहीं है कि एक लड्डू उठा लो, फिर ये नहीं कह रहा है कि नहीं मम्मी मैं दो लड्डू लूंगा, सिर्फ यहाँ पे क्या कहा है, एक उठा लो मैं दो लूंगा, ठीक है, तो लड्डू शब्द का अध्यायार्थ कर दिया है। अर्थ आधारित संसक्ति में परवर्ती वाक्य पूर्ववर्ती से इसलिए श्रृंखलित होता है क्योंकि दोनों में एक ही शब्द प्राय संज्ञा शब्द में फोकस होता है, उदाहरण में किसान बैल ये उदाहरण है, इसके अतिरिक्त पर्याय या पर्यावक शब्द श्रृंखलित होते हैं, ऐसे उदाहरण में किसान के लिए मालिक, आर्थिक क्षेत्र में उच्च वर्गीय या मध्य वर्गीय का प्रयोग होता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अर्थ आधारित संसक्ति, मैंने यहाँ बताया आपको कि यहाँ पे कैसे ये बैल की जगह उसको और उसके इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। तो शब्द आधारित संसक्ति और अर्थ आधारित संसक्ति दो प्रकार की होती है। तो ये बहुत इतना महत्वपूर्ण विषय भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको आवास का होना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो मुझे लगता है कि आज का विषय, अभी हम विषय तो बड़ा विस्तृत है लेकिन इसको थोड़ा सा कंपैक्ट करके बताएं तो यहाँ तक हम इसको समेटते हैं। समय की अब अनुमति नहीं है, 12 से ऊपर हो रहे हैं, 12:10 के लगभग हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको जो बताया है उससे संबंधित कोई आपकी शंका हो तो आप इसको ये कर लीजिए, लेकिन फिर से दोहराऊंगा कि आपको इसको पढ़ना होगा और इससे संबंधित जो यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं वो भी आप सुनिए ताकि जो संकल्पना है इन चीजों की जो कंसेप्ट है वो और अधिक क्लियर हो सके। जी सर, निश्चित रूप से, क्योंकि भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र दो एक ऐसी भाषा जो मुझे भी लगती है जो विषय बहुत ज्यादा क्लिष्ट है, क्योंकि हम लोग उसे पढ़ते थे तो बहुत समय देना पड़ता था, कंफ्यूजन क्रिएट होता था, तो निश्चित ही इसके समझने से पहले खुद एक बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाती है। चाहे भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात करें, चाहे भाषा विज्ञान की बात करें, तो मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा, क्योंकि अभी तो कुछ प्रश्न मुझे चैट बॉक्स में दिख नहीं रहे, अगर विद्यार्थियों कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स के माध्यम का उपयोग न करते हुए भी वो डायरेक्ट अपने माइक पर म्यूट करके सर के समक्ष अपने प्रश्न रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न आप पूछ लीजिए या चैट बॉक्स में डाल दीजिए।
मुझे लगता है कोई प्रश्न या तो है नहीं या फिर आप लोग को समझ में नहीं आई मेरी बात। हेलो आवाज आ रही है? हाँ सर ठीक है। हो सकता है कि अच्छा कोई अगर आपका फीडबैक है तो आप बताइए, वो भी बता सकते हैं कि सर आपको हमको यहाँ पे दिक्कत आ रही है किसी भी खास चीज पे, तो हम उसके ऊपर अगली बार और भी कोशिश करेंगे कि हाँ इसको आपको स्पष्ट कर दें। तो जरूरी नहीं कि प्रश्न के तौर पे आप पूछें, आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें जो जो कोर्स में आपको किन विषयों पे ज़्यादा दिक्कत आ रही है या किन चीज़ों को समझने में आपको और ज़्यादा मदद की आवश्यकता है, तो उसका उसको भी आप बता सकते हैं। तो लगता है कोई प्रश्न है नहीं, और खैर जो अगली क्लास होगी वो रंगभूमि पे होगी, ईद की छुट्टी है परसों क्लास लेंगे, और तो अभिषेक जी समापन किया जाए इसको समेटा जाए। जी 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 सर, उस दिन तो मुझे उम्मीद नहीं, मुझे लेकिन उस दिन तो प्रश्न बहुत आएंगे क्योंकि मैंने भी देखा है उपन्यास कहानी से जुड़े जो भी विषय होता है उसमें प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। आने ठीक है, बल्कि प्रश्न तो इस पे और ज्यादा आने चाहिए। हो सकता है कि थोड़ी सी उनको ये चीजें जो है उनको पढ़ने के बाद और समझ में आया कि हाँ इन चीजों में प्रश्न बन सकता है, और ये चीजें थोड़ी जटिल मतलब इस पे अपना समय देना पड़ेगा, ये तो तकनीक वाली चीज है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, इसमें भाषा विज्ञान इसलिए विज्ञान से बिल्कुल जुड़ता है। चलिए तो मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कि पद और पदबंध में क्या अंतर है। अगर कोई आपको पूछ ले कि सर आपको तो पढ़ाया गया पद पढ़ाया गया पदबंध पढ़ाया गया, कोई प्रश्न पूछ ले कहीं किसी इंटरव्यू में या कहीं पर भी कि पद में और पदबंध में क्या अंतर है, तो फिर आप क्या जवाब देंगे, कोई उत्तर देना चाहेगा? असीत सारिका पद्मलोचन लक्ष्मी प्रिया देवाशीष बारिक अति बाबू अजय प्रधान, इतने लोग जुड़े हुए हैं साथ में अभिषेक भी हैं, तो उत्तर देना चाहेगा इस पर पदबंध और पद में क्या अंतर होता है, या फिर आप मुझे ये बताइए कि जो कारक हैं जो आपने कारक चिन्ह पढ़े या कारक की जो विभक्तियां पढ़ी, तो आठों कारक जो है आठों कारक के विभक्ति चिन्ह को लेकर के आप कोई उदाहरण देना चाहेंगे या कोई वाक्य बनाना चाहेंगे, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान। देखिए आप सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव रखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए कि कुछ गलत होगा या कुछ ये है, ठीक है प्रश्न पूछना आपका काम है, आप प्रश्न पूछिए निसंकोच पूछिए, इसमें कोई भय या शंका नहीं होनी चाहिए, और बाकी जब आप एक कहावत है ना कि हम जब प्रश्न पूछते हैं तो थोड़ी देर के लिए मूर्ख बनते हैं लेकिन नहीं पूछते हैं तो आजीवन मूर्ख बने रहते हैं, तो मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ कि आप लोग ऐसे, आपका तो बौद्धिक स्तर अच्छा ही रहा होगा। खैर अगर प्रश्न नहीं है तो हम इसको समापन की ओर ले चलते हैं, और मैं चाहूंगा कि अभिषेक इसका। जी 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 निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और विद्यार्थियों को धन्यवाद, विद्यार्थियों से उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा जितने प्रश्न हो वो पढ़ें, क्योंकि जो शेड्यूल हम लोग का बनता है तो पहले ही उनसे कह दिया था ये विषय, तो जब वो विषय लेकर के तैयार होकर जब आए तो ये उनके लिए बहुत बेहतर होगा कि वो पढ़ के आएंगे तो उनके डाउट्स उनके जो भी द्वंद्व होंगे मन में, क्योंकि होता है ना विद्यार्थी जब एक दो पुस्तक उठा के पढ़ना शुरू करते हैं तो कई बार होता है ना दो राइटरों में मत होता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो कंफ्यूजन तभी आपका दूर होगा जब अपने प्रश्न सामने रखेंगे। तो विद्यार्थियों से अनुरोध है कि किसी भी विषय कक्षा करने से पहले स्वयं भी थोड़ा सा विषय को लेकर पढ़िए या कक्षा के उपरांत भी उस विषय को पढ़िए, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट निकलता है इस क्लास के बाद तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं या सर का ईमेल आईडी भी मुझसे ले सकते हैं, प्रश्न वहां भी पूछ सकते हैं सर से, उसमें भी कोई कोई झिझक की जरूरत नहीं है,
इसी के साथ मास्टर का धन्यवाद करता हूँ अपने विश्वविद्यालय की ओर से, और आने वाले सप्ताह में हम लोग फिर एक नए विषय के साथ सर के साथ जुड़ेंगे। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अपने समय देने के लिए, और आप विद्यार्थी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। हमारी टेक्निकल टीम दिवाशीष बारिक सर का बहुत बहुत धन्यवाद, निरंतर बने हुए रहते हैं शुरुआत से, क्योंकि ऑनलाइन कक्षा तो बिना टेक्निकल टीम के पूर्ण नहीं होगी। तो दिवाशीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर, राकेश सर बहुत बहुत आभार, थैंक यू, धन्यवाद अभिषेक जी, सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद और बारिक जी का भी धन्यवाद अपने टेक्निकल सपोर्ट के लिए। ऐसा करते हैं फिर अगली बार भी ज्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे और ज्यादा इंटरेक्टिव होगा सेशन, इस उम्मीद के साथ हम लोग समाप्त करते हैं, धन्यवाद।